नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस YouTube चैनल डेली अपडेट्स इंजीनियरिंग में। दोस्तों, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है CCL की तरफ से। CCL यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। दोस्तों, यह एक कोल इंडिया लिमिटेड की बड़ी सब्सिडरी है जो भारत में अच्छा कोयले का उत्पादन करती है। दोस्तों, इसमें वैकेंसी अपडेट निकल के आई है। हम बात करेंगे पूरी वैकेंसी अपडेट के बारे में कि आप लोगों को कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, कैसे आप लोगों को जो है अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल सकता है। सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में लास्ट तक। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यह दोस्तों मिनीरत्न कंपनी है। अगर इसके हेड ऑफिस की बात करें तो रांची झारखंड में आप लोगों को हेड ऑफिस देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी अपडेट आ चुकी है और 1500 से ज़्यादा वैकेंसी है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, 1565 वैकेंसी है। दोस्तों, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड यह एक कोल इंडिया लिमिटेड की बड़ी सब्सिडरी है जो कि कोयले के क्षेत्र में काम करती है, कोयले का प्रोडक्शन करती है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 5 सितंबर 2020 को इसका अपडेट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आप लोग जो है फॉर्म भरना अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एक महीने का समय मिलता है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने का और CCL में अप्रेंटिसशिप करने का। दोस्तों, अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप लोगों को जो है जॉब लगने में आसानी होती है। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो 5 सितंबर 2020 से लेके आप लोगों को 5 अक्टूबर 2020 यानी कि पूरा जो है आप लोगों को एक महीने का समय दोस्तों देखने को मिलता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से 35 साल जो है इसमें एज मांगा है। मिनिमम 18 साल एज होना चाहिए और मैक्सिमम 35 ईयर्स आपकी एज होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं हम सीटों की। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए सीटें हैं। दोस्तों, फिल्टर के लिए जो है आपका 425 यानी कि 425 सीटें हैं। वेल्डर के लिए 80 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा सीटें हैं 630 सीटों पर वैकेंसी है। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं, मैकेनिक के लिए जो है अगर आपने करके रखा है मेंटेनेंस एंड हेवी व्हीकल्स से तो आप लोगों को 175 सीटें देखने को मिलेगी। कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा के लिए जो वैकेंसी है दोस्तों वो है आपका 50। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस के लिए जो है आप लोगों को 25 वैकेंसी देखने को मिलेगी। मशीनिस्ट के लिए जो है आप लोगों को 50 देखने को मिलेगी सीटें। टर्नर के लिए 50 सीटें हैं और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए जो है आपका 15 सीटें रखी गई। इसके अलावा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन पैथोलॉजी के लिए जो है 15 सीटें हैं। दोस्तों, वो जो पहले वाली वैकेंसी थी वो रेडियोलॉजी के लिए है। इसके अलावा सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए जो है आप लोगों को 50 सीटें रखी गई है। क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों 10+ ITI। इसके अलावा अगर आपने वेल्डर से करके रखा है तो 8 क्लास अगर आप पास है, और इसके अलावा अगर आपने ITI करके रखा है वेल्डर से तो आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड की बात करें तो ITI ट्रेड अप्रेंटिसशिप वाले को 7000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सैलरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, 7000 रुपये आप लोगों को पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलने वाली है ITI वालों को। अनिवार्य योग्यता की बात करें तो 5 अक्टूबर 2020 तक 18 से कम और 35 से अधिक उम्र वाले जो है आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों को कम से कम 10वीं उत्तीर्ण हो और जिन्होंने ITI किया है वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो आप लोगों को इस वेबसाइट पर जाना होगा। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके जो है आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और जैसा जिसमें दिया हुआ है उस प्रकार जो है आप लोगों को जाके वहां पर एरिया भी चुनना है कि आप लोग किस एरिया में जो है आप लोग सुविधा के साथ चाहते हैं कि वहाँ पर ट्रेनिंग मिले, तो आप लोग जो है उस एरिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को किसी भी प्रकार का ना ही एग्ज़ाम होगा ना ही किसी भी प्रकार की फ़ीस लगेगी। इसमें डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद जो है आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि किस प्रकार जो है आप लोगों का कहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा CCL के बारे में जानकारी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।